विधानसभा में तो बहुत विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लोकसभा में भी पारित करिए, नौवीं अनुसूची में डालिए। नौवीं अनुसूची में कौन डालेगा? जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा नौवीं अनुसूची में वो जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कौन केस लड़ने के लिए जाएगा? और नौवीं अनुसूची में यदि कोई चीज डालना होगा तो यदि झारखंड का डालना होगा तो फिर बिहार का भी डालना होगा, फिर बंगाल का भी डालना होगा, फिर उत्तर प्रदेश का भी डालना होगा, तमिलनाडु का भी डालना होगा। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और ISI मैं कह रहा हूँ कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। दूसरा बात सवाल ये है कि देवघर का आदमी क्या करेगा? उसके पास तो 32 का खतियान ही नहीं है। मधुपुर का आदमी क्या करेगा? उसके पास 32 का खतियान नहीं है। सारठ, पालोजोरी, जामताड़ा का आदमी क्या करेगा? धनबाद का आदमी क्या करेगा? बोकारो का आदमी क्या करेगा? कोल्हान का आदमी क्या करेगा? 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। कि पहला बात तो माननीय सांसद जो इतने बड़े ओहदे पर है और उनके पास बयान देने का उनके पास लहजा नहीं है, तरीका नहीं कि उन्हें किस प्रकार बात रखना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी की जनभावना को उन्हें ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जहां तक आतंकी और अगर इस तरह का सवाल खड़ा होता है तो सबसे पहले माननीय की जो जिनकी पार्टी के दम पर वे आज उछल रहे हैं उनकी पार्टी सबसे पहले कटघरे में आएगी। पुलवामा कांड आज तक नहीं पता चला है कि वह RDX कहां से आया था। यहां अगर कोई खैनी लेके गुजरता है ना, कोई अगर शराब का लेके गुजरता है तो पता चल जाता है जांच में कि कहां से आया था, किस राज्य से आया था, किस राज्य को जा रहा है। लेकिन आज तक पता नहीं चला है कि वो पुलवामा जो कांड हुआ उतना बड़ा, उसमें वो जो बारूद आया था वो कहां से आया था। और इसी उन्हीं के, हालांकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं लेकिन पार्टी तो उनकी है, वही शख्स जो प्रधानमंत्री नहीं थे वो कहते थे कि अगर चिप का अगर कुछ होगा तो पता चलेगा, जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। तो उनको अगर सोचना चाहिए तो अपना जो वादा था, जो देश के लिए उन्हें करना चाहिए तो उस पर सोचना चाहिए था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो उनका एजेंडा है, जो उनकी पार्टी का एजेंडा है, वो हमेशा राज्य के लिए हमेशा नेगेटिव रहता है। हाँ, यह कह सकते हैं एज विधायक उनका, सॉरी एज संसद उनका छोटा सा ये उपलब्धि है कि धनबाद के एम्स, धनबाद के एयरपोर्ट वो देवघर लेके गए, कार्य की उनकी प्रशंसा है। लेकिन बाकी अगर बात करें तो वह इंसान पूरी तरह से झारखंड को चाहता है कि यहाँ के लोग बदहाल रहे, यहाँ के लोग तंगहाल रहे। हमें नहीं चाहिए आपका वो विकास, हमें 1932 का खतियान उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है। आप राज्य तोड़ने, आप मैंने अन्य राज्यों की बात करते हैं कि सभी कि मैंने राज्य राज्य में भेद ना करें, तो ठीक है, यहाँ की आबादी को आप बिहार में सुनिश्चित करें नौकरी देना, या फिर यहाँ की आबादी का गुजरात में नौकरी देना सुनिश्चित करें। और सबसे बड़ी बात, इनका देखिए कभी भी जो लोकलिटी का मामला है वो चुपचाप रहते हैं। अभी ये मैंने हेमंत जो भी उनका एक चल रहा है और उसमें तो समझ देखने में आ रहा है कि पैसा दे के लोगों को लेके जा रहे हैं, वहां मारपीट भी हो रहा है पैसा नहीं देने पर। उनको बात करना है, उनको कभी रोजगार पर बात नहीं करते, कभी शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, वो केवल और केवल धर्म की बात करते हैं, इसलिए उनका वो प्रोपेगेंडा है। पूरे राज्यवासियों के सामने उन्हें माफी मांगना चाहिए कि उनका जो बयान है वो शर्मनाक बयान है, दुखद बयान है, उन्हें पूरे राज्य के सामने माफी मांगना चाहिए। क्या लग रहा है कि झारखंड में जो भाजपा सांसद है और विधायक है, क्या उन्हें दबाव देना चाहिए जो मूलवासी विधायक सांसद है? मूलवासी विधायक सांसदों को दबाव देना चाहिए, और नहीं अगर दे पाते तो हमें लगेगा उनके गर्दन में पट्टा बंधा हुआ है, वो उनके गुलाम है, पार्टी के गुलाम है, दलाल है। क्या आप आतंकी और बांग्लादेशी हैं? जी नहीं, हम लोग लड़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, जो अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य की अस्मिता, अपने राज्य की आइडेंटिटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को नीति नियोजन में अवसर कैसे मिले उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमने बिहार में कभी दावा नहीं किया, हमने बंगाल में दावा नहीं किया, तो फिर अन्य राज्यों के लोग यहाँ इसे अपना ससुराल क्यों समझ के बैठेंगे? सीधी सी बात है, हमने राज्य क्यों लिया? इसीलिए लिया कि यहाँ के जो लोग पिछड़े, शोषित, वंचित लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं संसद की मती मारी गई है, उन्हें पहले अपने जो उनका जो मैनिफेस्टो में था, उनकी जो गवर्नमेंट, खासकर वो संसद है, यानी जो दिल्ली का जो वचन था प्रत्येक साल कितना करोड़ का नौकरी, उस पर उन्हें चर्चा करना चाहिए। तो जानना वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उनकी नजर में जो उस पार्टी की विचारधारा से भिन्न है वह उनको बांग्लादेशी लगता है, वह उनका आतंकवादी लगता है। जो भी है, आज अगर कोई बीजेपी में भी है, कल अगर उस पार्टी से निकल जाता है तो बीजेपी वाले लोग, उनके पास एक सर्टिफिकेट बहुत शानदार है, देशद्रोही का, पाकिस्तानी कहने का, आतंकवादी कहने का, टेररिस्ट कहने का, ये उनका प्रचलन है। और इसी के दम पर वो गवर्नमेंट बनाती है, चुनाव के समय दंगे करवाती है, तो ये उनका प्रोपोगेंडा बीजेपी द्वारा जिन मामलों में, विशेषकर जो बहनों को लेकर जो दुष्कर्म अथवा उनके साथ अन्याय का मामला आया है, उसी में उन्होंने इंटरफेयर किया है, जहां जाति धर्म का मामला हो। बाकी अगर मर जाए कट जाए कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है एक सांसद के दृष्टिकोण से, एक शिक्षित सांसद है, कहीं ना कहीं पार्टी को खुश करने के लिए आप इस हद तक ना गिरे। क्या लग रहा है कि अभी लोग संसद में ये बात उठाएंगे, आप जो अभी ये विरोध कर रहा है? ये शख्स नहीं उठाएगा, ये शख्स नहीं उठाएगा, पीएन सिंह नहीं उठाएंगे, संजय सेठ नहीं उठाएंगे, जयंत सिन्हा नहीं उठाएंगे, ऐसे 4-5 सांसद हैं जो झारखंडियों का हित नहीं चाहेंगे। कौन उठाएगा? मुझे लगता है इस पर गिरिडीह सांसद को उठाना चाहिए, वो लोकल है, लेकिन हालांकि वो भी सेंट्रल पार्टी से उनका टाई अप है। उसके बाद जो भी जितने आदिवासी मूलवासी सांसद हैं, विद्युत वरण जी को उठाना चाहिए, या फिर विजय हंसदा जी हैं,
आपका सुनील चौरेन जी हैं दुमका से, तो उन लोगों को इस बात को संसद में रखना चाहिए, पुरजोर तरीके से रखना चाहिए, और उन्हें तो इस बात का भी चर्चा करना चाहिए संसद में कि जब सभी राज्यों को पहचान मिला है, सभी राज्यों के लोग अधिकार मिला, तो झारखंड के साथ लूट खसोट क्यों? उनको डबल वोटर आईडी का मामला रखना चाहिए था, अवैध बस बसाव का मामला रखना चाहिए था। उन्हें क्या लग रहा है अभी तक ये लोग मुखर होकर आवाज उठाया नहीं, तो क्या लग रहा है संसद में उठाएंगे आवाज? कहीं ना कहीं जो नेशनल पार्टी के जो लीडर होते हैं उनमें उनके लगभग एक तरह से उनको कह सकते हैं उनके गले में एक पट्टा टाइप सा रहता है, ये सच्चाई है। सीपी चौधरी से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए वो उनका यहाँ स्थानीय पार्टी से है, भले उनका टाई अप सेंट्रल पार्टी से, तो उन्हें कम से कम अब संसद में इस बात को रखना चाहिए, इस बिल को लेकर उन्हें पुरजोर तरीके से बात रखना चाहिए।